What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 13 जुलाई 2020 मंडे है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है। निफ्टी इंडेक्स लगातार एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेडिंग हो रहा है, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी ये एक रेंज क्रिएट हुआ है, अगर इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो ज़बरदस्त हमें आने वाला ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ये एक न्यूज़ है, अभी जो जियो में लगातार इन्वेस्टमेंट का सिलसिला चल रहा है उसमें और एक नाम ऐड हो गया है। क्वालकॉम ने और जियो ने और एक डील की है ₹730 करोड़ की। तो लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज में भारी निवेश आ रहा है, तो भारी कंपनियां कुछ ज़बरदस्त पोटेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि कंपनी डेट फ्री भी हो गई है, तो आने वाला वक्त कंपनी के बारे में और सारी चीज़ें ओपन करेगा कि क्या प्लान ऑफ एक्शंस है जिसके कारण इतनी सारी बाहर की कंपनियां यहां पर इतना निवेश कर रही है। तो ये एक अभी के टाइम के लिए एक बड़ी न्यूज़ है। चलते हैं, सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 10 जुलाई, आपका मार्केट और से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,854 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,780। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसी के पास ओपन हुआ, फिर यहाँ से ये जो रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जो लास्ट क्लोज था इस लेवल के पास, लास्ट क्लोज के पास यानी थर्सडे के क्लोज के पास, इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये फिर से टूवर्ड जब साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 10,766 ये अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 10,750 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ और यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स में फॉल देखने को मिला। फिर एक बार इसने जब ऊपर की तरफ छलांग लगाई, रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, फिर से एक बार नीचे आके एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और क्लोज भी हुआ है फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते थे अराउंड 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे यूएस मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, रिकॉर्ड हाई के ऊपर ये नासडैक हमें देखने को मिला और वहाँ पर भी जो वैक्सीन की खबरें आ रही है उसके कारण भले ही केसेस बढ़ रहे हो कोरोना वायरस के, लेकिन वो वैक्सीन ने एक उम्मीद जताई है, इसके कारण बाजार में हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी हरे निशान में बंद हुए थे। आज एशियाई बाज़ार हफ्ते के पहले दिन सभी लगभग हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 64 पॉइंट की बढ़त बना के इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 142 पॉइंट की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से फिर से एक बार शुरू करेंगे। मंथली चार्ट में जैसे कि हम एनालिसिस कर रहे हैं इस महीने के शुरुआत से, ये 20 ईएम में जो है ये पिंक लाइन जो यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया था, अभी ये करंट फेज में ये हो सकता है रेजिस्टेंस का काम करे। तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स एक पॉज ले रहा है, यहाँ पर ये जो 20 ईएम है एक हर्डल का काम कर रहा है मंथली चार्ट में। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, अभी तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ है, मंथ खत्म होने में अभी 2.5 वीक बाकी है। तो देखते हैं निफ्टी इंडेक्स इसके ऊपर क्लोज हो पाता है या नहीं। नीचे सपोर्ट होगा 10,190 का और ऊपर अभी लगभग रेजिस्टेंस लेवल के पास है। तो ये मंथली चार्ट का एनालिसिस है। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट में जो लास्ट स्विंग हाई लो बन रहा था इसको अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो इन लेवल्स को इसने हर्डल यहाँ पर फेस किया था 76.4 61.8% के लेवल के पास। अभी इसने ये जो मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर क्लोज दिया है वीकली चार्ट में। अभी अगर यहाँ पर और एक अगर बुलिश कैंडलस्टिक बनता है तो काफ़ी कन्फर्मेशन आ जाएगा कि निफ्टी इंडेक्स और ऊपर की तरफ यहाँ से तेज़ी से बढ़ सकता है। हालांकि अगर देखें तो मंथली चार्ट में जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहां पर हो सकता है ये पेनेट्रेशन हमें दिखाए, तो तकलीफ हो सकती है यहां से और ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने पास्ट में भी एनालिसिस किया था यहां पर निफ्टी इंडेक्स ने एक सपोर्ट टेस्ट किया था ये जो लेवल
जो पास्ट में सपोर्ट का काम करता है वो आगे जाके फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ये अराउंड 10,850 के पास है, तो इस लेवल के पास ये तकलीफ या हर्डल फेस कर रहा है। तो इस लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज देता है वीकली चार्ट में, तो यहाँ से हमें और निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ तेजी दिखा सकता है। तो ये फिलहाल वीकली और मंथली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में यहाँ पर अगर क्लियरली देखें तो लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रहा है। ना ही 100 पॉइंट्स के ऊपर जा रहा है, ना ही 100 पॉइंट्स के नीचे जा रहा है। तो इसका ये जो अपर बैंड का लेवल बन रहा है ये हो सकता है ब्रेकआउट लेवल, और ये जो नीचे का लेवल लोअर लेवल बन रहा है ये हो सकता है ब्रेकडाउन लेवल। अगर हम थोड़ा सा थोड़े दिन पहले यहाँ पर जाए तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं ये अपसाइड आने के बाद निफ्टी ये कुछ दिन एक साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड हुआ, फिर इसका ये जो अपर बैंड और ये लोअर बैंड बन रहा था इसके बाद इसने अपर बैंड को ब्रेक किया और ऊपर निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ से हमें ट्रैवल होते हुए दिखाई दिए। तो अभी फिर से एक बार यहाँ पर रेंज क्रिएट हुआ है। तो क्या ये फिर से अभी अपर बैंड को ब्रेक करेगा या फिर लोअर बैंड को ब्रेक करेगा ये देखने लायक होगा। आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने यहाँ पर लोअर हाइज बनाए, लेकिन अभी तक इसने नेक लाइन को ब्रेक नहीं किया। ये जो एवरेज है आरएसआई का एवरेज, इसी के पास ही आके रुक है। तो हो सकता है जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी ये सपोर्ट ले और यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो। जब भी ऐसा डब्ल्यू पैटर्न आता है तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ से ट्रेंड हमें अपसाइड देखने को मिलती है, जैसे कि ऐसे है राइजिंग बॉटम्स बना के भी डब्ल्यू फॉर्म होता है। ये जो पैटर्न है ये आने के बाद हमें और तेजी ऊपर प्राइस एक्शन में देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर ये अदरवाइज ये नेक लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, ये जो यहाँ पर सपोर्ट इसने टेस्ट किया इसको अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो निफ्टी इंडेक्स प्राइस एक्शन में भी हमें ये टूवर्ड साउथ की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये कुछ एनालिसिस है डेली वीकली और मंथली चार्ट का। आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको देखेंगे। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 60 मिनट के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो 61.8% का लेवल है लगातार इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा है। आर्ली चार्ट में, 1 आर्ली चार्ट में ये क्लोज नहीं हो पा रहा है इस लेवल के ऊपर, तो काफ़ी ये एक्यूरेट लेवल साबित हो रहा है। और नीचे ये जो 50% का लेवल है 10,700 के पास, इसको भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है आर्ली चार्ट में। तो ये दोनों हो सकते हैं आज के लिए हमारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल। तो ऊपर में अगर निफ्टी इंडेक्स 10,848 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,873, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 10,900, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर साउथ की तरफ बढ़ता है तो ये जो लेवल है ये जहाँ पर इसने फ्राइडे के दिन सपोर्ट टेस्ट किया था, और पास्ट में भी देखे तो यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग लो बनाया है इसने। ऊपर जाते वक्त इसने एक छोटा सा स्विंग लो बना के यहाँ से इसने थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश की है। तो अगर ये 10,734 का लेवल ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 10,714 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,689, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।